हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज से एक इंडियन फुटबॉल में नया एरा चालू होने वाला है, दैट इज मैनुएलो मार्केस एरा। जी हाँ, इंडियन फुटबॉल टीम अपना पहला मैच खेलने वाली है अंडर मैनुएलो मार्केस इन द इंटर कॉन्टिनेंटल कप, जहां पर हम फेस करने वाले मॉरिशियस। आज और 9 सितंबर को हम लोग सीरिया के साथ खेलने वाले। तो ये वाले वीडियो में लेट्स प्रिडिक्ट कि यार हमारे लाइनअप कैसे है, बिकॉज नया कोच है मैनुएलो मार्केस है, भले ही अच्छा कोच है, बट क्या लाइनअप के साथ जाएगा, कौन से प्लेयर्स को यूज करेगा और क्या वो अपनी टीम में मोहन बगान सुपर जायंट्स के जो प्लेयर्स है उनको इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। बिकॉज हम सबको पता है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले फाइनल खेला था, तो क्या वो रिस्की होगा बिकॉज इंजरी इश्यूज हो सकते हैं और क्या क्या इंजरी न्यूज भी है। एंड भाई ऑब्वियसली हमारे जो राइवल्स है जितना जानते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट भाई, आप लोग ये मैच कहां पर फ्रीली देख सकते हो आपके फोन में, लैपटॉप में, वो भी मैं आपको वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट और एक काम करते चालू करते हमारी टीम के साथ। जी हां, इंडियन बॉल टीम के साथ चालू करेंगे। और आपको स्कोर तो पता ही है कि 26 मेंबर स्कोर जो प्रोबेबल अनाउंस किया था यहां पर मैनुएलो मार्केस ने, जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म थे, बट अब वो दूर रखेंगे बिकॉज इट्स नाउ टाइम फॉर द एक्शन। एंड फाइनल स्कोर अभी तक अनाउंस नहीं हो गया, तो भाई यही समझ लो कि भाई यही 26 है एंड इसमें से खेल लेंगे। ओके, तो स्कोर हो गया। अभी बात करते हैं प्लेइंग लाइनअप में कि प्लेइंग लाइनअप में क्या होगा। अभी ये पूरे स्क्वाड में अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही जो बंदा है जो कि एक्सपीरियंस है, जो कैप्टन बनने के अच्छा दावेदार है, दैट इज गुरप्रीत सिंह संधू। तो मुझे लगता है कि गुरप्रीत सिंह संधू विल बी द कैप्टन एंड ही विल बी स्टार्टिंग इन द गोलकीपर, तो वो हमारे गोलकीपर रहेंगे। आ जाते हैं अभी सेंटर बैक्स के ऊपर। सेंटर बैक्स पर अगर देखोगे यू हैव मेहताब, राहुल बेके, साना सिंह है आपके पास, अनवर अली है। मेरे अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यहाँ पर अनवर अली एंड साना सिंह के साथ जाऊंगा। अनवर अली एक जो इशू होगा अनवर अली के पास कि उसने कौन सा भी कॉम्पिटेटिव मैच नहीं खेला। यस, ही हैज बीन डूइंग ट्रेनिंग विद इंडियन फुटबॉल टीम ऑल्सो एंड ईस्ट बंगाल ऑल्सो, लेकिन उसने कॉम्पिटेटिव मैच नहीं खेला, तो उस पर थोड़ा डाउट रहेगा। लेकिन मैं अनवर अली के साथ ही जाऊंगा बिकॉज जब भी अनवर अली रहते पीछे तो अपनी जो पासिंग है वो थोड़ी एक्सटेंड है तो थोड़ी अच्छी हो जाती है। कमिंग ऑन टू साना सिंह, साना सिंह का यहाँ पर कमबैक होने वाला है। जी हाँ, इगोर के एरा में लास्ट दो तीन साल में वो अच्छा नहीं करते थे, या तो उसको लिया ही नहीं आता, ठीक है, उनको लिया ही नहीं आता था, लेकिन ये बार उसकी वापसी हो रही है। आई रियली होप कि साना सिंह अगर अच्छा कर देते तो हमें एटलीस्ट एक बैकअप तो मिल जाएगा कि चलो ठीक है, अनवर अली या तो अगर संदीप सिंह इंजर्ड हो जाते तो वी हैव एटलीस्ट साना सिंह। तो ये दो मैं सेंटर बैक के साथ जाना चाहूंगा। राहुल बेके कुड बी एन ऑप्शन, बट अगर आप राहुल बेके को खिलाओगे तो फिर तो आप वही इगोर वाली बात कर रहे हो भाई, इगोर वाली चीज कर रहे हो, तो मैं इगोर राहुल बेको को मैं नहीं खिलाऊंगा। कमिंग ऑन टू फुल बैक्स, अभी फुल बैक्स के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है भाई, जय गुप्ता है आपके पास, रोशन सिंह है जो कि लेफ्ट बैक एंड राइट बैक दोनों पे खेल सकता है, आपके पास आशीष राय है जो कि मोहन बगान सुपर जायंट्स से अभी अभी वो आएगा ज्वाइन किया रहेगा, एंड निखिल पुजारी भाई एज ऑलवेज लिए। तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ अगर लेफ्ट बैक पे बात करें तो मैं जाऊंगा जय गुप्ता, जो पहले दो मैचेस उन्होंने खेले थे, पहले एक या दो मैच खेला था उन्होंने, जितने मैचेस खेले नेशनल टीम के लिए काफी अच्छे लगे, काफी एंकरिंग या तो पोटेंशियल दिखता है, तो आई वुड स्टार्ट हिम जय गुप्ता एज अ लेफ्ट बैक। एंड नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि आप क्या तीन ऑप्शन है, आप राइट बैक पे किसको खिलाओगे, आशीष राय को खिलाओगे। आशीष राय देखो यार अभी मोहन बगान के साथ थे, क्या इतना इजी होगा, क्या रिस्क लोगे बिकॉज इंजरी इश्यूज है सभी मोहन बगान प्लेयर्स के साथ, बिकॉज दो दिन में कोई इतना ट्रैवल वगैरह करके मैचेस नहीं खेलते, तो वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मैं आशीष राय को थोड़ा थर्ड पोजिशन पर रखूंगा। अब बात आती है कि आप रोशन सिंह को खिलाओगे या निखिल पुजारी को खिलाओगे। रोशन सिंह की अगर बात करोगे देखो जितना मैंने उसको देखा, आई हैव सीन हिम एट लेफ्ट बैक पोजिशन, ठीक है, लेफ्ट बैक पर मैंने ज्यादा उसको देखा है, तो मैं उसको एज ए लेफ्ट बैक देखता हूँ। ऑब्वियसली वो राइट बैक भी खेलता है, बट मैं राइट बैक पे आई वुड नॉट गो, मैं पुजारी के साथ ही जाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि वही एक है जो मेरे को लगता है। लेकिन अगर रोशन को खिला देते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, मैं गुस्सा नहीं करूंगा बिकॉज रोशन भी चल जाएगा बिकॉज वी नो उसकी जो क्या क्वालिटी है, क्रॉसिस हो गया, सेट पीस हो गया, ही इज ऑलरेडी टू गुड, ठीक है। तो ये हो गया बैक फोर, मैं निखिल पुजारी के साथ जा रहा हूं, मैं भी अगर रोशन सिंह आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने लिए अच्छा है। कमिंग ऑन टू मिडफील्ड, बाय मिडफील्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यू हैव थापा, अपुया, जिक्सन, सुरेश एंड पुतिया। ना अभी थापा एंड अपुया को मैं नहीं खिलाऊंगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अगर ये बड़ा मैच होता सीरिया के अगेंस्ट तो मैं बोल देता कि अपुया को आप खिला दो, थापा तो मैं बेंच पे रखूंगा, लेकिन अपुया के लिए मैं बोलूंगा कि यार देखो ये मैच रेस्ट दो, चाहे तो लास्ट के 10-15 मिनट खिला लेना। सीरिया के साथ जो मेन मैच है वहां पर आप इसे अपुया को देखना जाओगे। मेरे जो दो मिडफील्डर्स रहेंगे वो होंगे सुरेश एंड अजिक्सन। ना अब बात आती है पुतिया के बारे में, तो अभी देखो पुतिया को पहला मैच है तो आई गेस डेब्यू इतना नहीं जल्दी नहीं दे सकते, मैं क्या बोलूंगा कि ये जो दोनों मैचेस हैं आप डेब्यू मत दो उनको, लेकिन लास्ट के 20 से 25 मिनट उनको दे दो कि एटलीस्ट कुछ मालूम तो पड़ेगा कि चलो ठीक है नेशनल टीम में जब भी खेलते हैं तो कैसा फ्लेवर रहता है, कैसा टेस्ट रहता है, लाइक बोलते कि भाई ग्रेवी क्या होती है, समझ रहे। तो ये मेरा कहना है, तो ये मैं दो मिडफील्ड के साथ जाऊंगा। और अभी
अभी जब भी हम अटैकिंग पोजीशंस पे जाएंगे, नाउ द रियल गेम बॉइल्स डाउन। जी हाँ, अभी यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, बिकॉज कोई चाहता है कि भाई इसको वहां पर खेला, उसको यहाँ पर खेला, तो बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन है। लेकिन एक कन्फ्यूजन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, राइट विंगर पे हमारे चांगटे एज ऑलवेज भाई कंसिस्टेंट प्लेयर, राइट विंगर पे मैं चांगटे को देखूंगा। अभी सेंटर फॉरवर्ड एज अ नंबर 10 एंड एज अ लेफ्ट विंगर, बिकॉज हम ऑब्वियसली हम 4-2-1-3 के साथ जाएंगे, बैक फोर होगा, हमारे दो पिवट में मिडफील्डर्स रहेंगे, एक एज अ नंबर 10 अटैकिंग मिडफील्डर खेलेगा, दो विंगर्स एंड एक स्ट्राइकर। अभी एज ए नंबर 10 अगर बात करोगे ऑप्शंस के, आपके पास ब्रेंडन तो नहीं है, यू हैव ऑप्शंस लाइक सहल, एक सहल ऑप्शन है, आप महेश को खिला सकते हो। उसके अलावा आई डोंट सी एनीवन प्लेइंग इन दैट नंबर 10 रोल। अभी सहल के ऊपर वही वाली बात है कि क्या आप सहल के ऊपर रिस्क लोगे, बिकॉज सहल तो पहले से इंजरी प्रोन प्लेयर है, वो ज्यादा मैचेस नहीं खेलता है, ठीक है। तो नाउ अभी वाली बात है कि मोहन में खेल के आया है वो फाइनल, क्या वो सूट होगा, अगर रेडी होता है तो खिला दो, अदरवाइज मैं क्या बोलता हूं उसको सेकंड हाफ में लेके आ जाओ। आई वुड स्टार्ट महेश एज ए नंबर 10, बिकॉज उसमें वो जो पास है, वो जो क्रिएटिवनेस है, वो लेके आता है। विंग पे मैं उसको नहीं खेलूंगा, लेकिन एज अ नंबर 10 ही कैन डेफिनेटली डू गुड, वो चांगटे को फाइंड कर पाएगा, लेफ्ट विंगर को फाइंड कर पाएंगे, ही कैन रियली डू गुड, तो मैं महेश के साथ जाऊंगा। अभी लेफ्ट विंगर पे जो मेरे दो ऑप्शन है वो नंद कुमार एंड लिस्टन गुलाको। अभी लिस्टन गुलाको के केस में वही आपको पता है कि मोहन मंग का प्लेयर है, लेकिन अगर इसको आप फिर से खिला दोगे, अगर इंजरी हो जाती है नेशनल टीम के तो लगेंगे, लेकिन मोहन मंग के भी लग जाएंगे, बिकॉज भाई इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं इंजरी को दूर रख रहा हूँ। इसलिए मैं मोहन मंग के प्लेयर्स को किसी को भी स्टार्ट नहीं दे रहा हूँ, अगर स्टार्ट हो भी जाते आई एम गुड, बिकॉज मैं तो लिस्टन को ही स्टार्ट करूंगा। लेकिन लिस्टन का क्या है, अभी अभी खेल के आया, फिर से हो जाएगा तो भाई फिर से अगर इंजरी का चांस है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा कि सेकंड मैच के लिए तू आ, या तो सेकंड हाफ में आ सकता है। तो आई वुड प्लेड नंद कुमार शेखर एज अ लेफ्ट विंगर ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ सेंटर फॉरवर्ड में, यहाँ पर जो ट्रिकरी है वो होता है, बिकॉज आप क्या यू कैन प्ले कियान नेसरी जो कि डेब्यू कर सकता है, यू कैन प्ले मनवीर सिंह, यू कैन प्ले एडमिन ऑल्सो। अभी एडमिन वहां पर खेलता नहीं है, कभी खेला नहीं, वो अलग बात है, बट अभी मनेलो मार्केस नंबर 9 किसको खिलाएगा वो यहाँ पर देखने लगा बात है। जो प्रेफर है या जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे लगता है कि मनवीर, बिकॉज एक्सपीरियंस भी है, वो खेल भी चुका है, भले गंदा खेल चुका है बट उसने खेला है, इसलिए नंबर 9 मनवीर जा सकता है। बट यार मैं बोलूंगा कि कियान नेसरी पे अगर आता है मनेलो मार्केस तो डाउट है, बिकॉज कियान नेसरी का पहला गेम, आई वुड नॉट सी कियान, बट अगर खेल ले तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी वही वाली बात है कि मनेलो मार्केस एक डेब्यूटन या तो एक यंगस्टर्स खेल जाएगा, या तो एक्सपीरियंस मनवीर जो नंबर 9 के लिए खेल सकते उसके लिए जाएंगे, तो ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट यार मैं बोलूंगा कि यार एडमन को या तो मैं भी कियान, दोनों में से एक को खेला दो, आई नो एडमन नहीं खेला बट स्टिल, ठीक है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 होगी, दिस वुड बी माई प्लेइंग 11। अभी इंजरी न्यूज क्या है, इंजरी न्यूज ये कि भाई मोहम्मद यासिर, जी हाँ, जो मनेलो मार्केस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बताया था कि भाई यासिर नहीं है कल के गेम के लिए, तो वो इंजर्ड है, सो ही विल नॉट फीचर इन टूडेज गेम, तो वो एक वाली बात हो चुकी है। अब आता है कि भाई मॉरिशस, ठीक है, तो मॉरिशस के ऊपर अगर बात करोगे, देखो ज्यादा हम जानते नहीं, एक ये कि अफ्रीकन टीम है, उनकी रैंकिंग जो है 179 है, एंड उनके रिसेंट मैचेस पे अगर आप बात करोगे तो उन्होंने 2024 में स्टार्टिंग में उन्होंने भाई एक अफ्रीकन कप ऑफ नेशन दैट इज एफकॉन, उसका क्वालिफाइज खेला था, जहां पर 2 लेग मैच था अगेंस्ट छड़, एंड वो 1-0 से हार गए थे, एंड जो दूसरा मैच था वो 2-1 से हार गए थे, ठीक है। तो 2 लेग में दोनों मैचेस हार गए थे, लेकिन उन्होंने जो जून में जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइज हुए थे, ठीक है, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइज होते हैं उन्होंने लीबिया के साथ 2-1 से हार गए थे, लेकिन उन्होंने एसवातिनी को 2-1 से हरा दिया था, ठीक है। तो अभी अगर आप लास्ट रिसेंट मैचेस में देखोगे तो जो मॉरिशस है लास्ट 4 मैचेस में 1 जीते और 3 हार चुके हैं, और हमारे भी लाइक लगभग ऐसे ही साल है, ठीक है, ऐसी हाल है। ओके, कोच के आने बात करें तो उन लोग जो प्रीफर्ड लाइनअप है वो 4-2-1-3 खिलाते हैं, सेम जो अपन खिलाते हैं, खेलेंगे तो वही वो लाइनअप में खेलते हैं। बाकी तो देखो जो प्लेयर्स है वो तो आज मालूम पड़ेगा, बिकॉज देखो मैंने देखा नहीं है, एंड जब तक हम लाइव नहीं देख लेते तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो भाई ये था, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज के भाई या मैच कहां पर देखे, फ्री में कहां पर देखे, तो भाई अगर आपको टीवी पे देखना है, अगर टीवी पे देखना है तो स्पोर्ट्स 18 पे आ जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स 18 के 3 चैनल्स है, 1, 2, 3 आपको देखने मिल जाएगा। अभी आपको भाई लैपटॉप पे देखना है, मोबाइल पे देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा में फ्रीली देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो आप ये टेलीकास्ट डिटेल्स है, आप लोग क्या प्रेडिक्शन से भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं जा रहा हूँ, प्रेडिक्शन 2-1, इजी मैच नहीं होगा, बट आई गेस मनेलो मार्केस विल स्टार्ट हिज एरा अगेंस्ट विथ अ विन। आपके क्या प्रेडिक्शन से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।